बेटी आगे बताई कि पापा जो खाना दिया जा रहा है ना उसमें अभी हम उसको कुछ उजला ऐसा पाउडर मिलाते थे। राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष नूतन उर्फ निशु सिंह को जुगसर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उनके विरुद्ध 22 फरवरी 2018 को जुगसर इलाके के दीपनगर कालिका राम गोल लेन निवासी पति वाजेश ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पति ने आरोप लगाया था कि उनके खाने वाले दलिया में निशु ने जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया था। 20 फरवरी को वाजेश को बेटी ने दलिया खाने को दिया, लेकिन उसने बता दिया कि माँ ने उसमें सफ़ेद पाउडर मिला दिया है। वाजेश ने दलिया खाने से इनकार कर दिया। भेद खुलने पर निशु ने चुपके से जहर मिली हुई दलिया को काली पॉलिथीन में डालकर फेंक दिया। वाजेश के मुताबिक पत्नी उससे तलाक चाहती है, संपत्ति के लिए केस भी कर रखा है। उनका आरोप है कि वह दूसरी शादी करना चाहती है। उनके दो बच्चे हैं। वाजेश के मुताबिक दोनों बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए इसके लिए उसने कई बार पत्नी को समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। इस कारण निशु उसे रास्ते से हटाना चाहती है। इस विवाद को लेकर वाजेश ने कई बार वरीय अधिकारियों के यहाँ न्याय की गुहार भी लगाई थी। 2020 में निशु सिंह ने पूर्व राजद सांसद सह युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के सामने राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्हें डॉक्टर नितेश कुमार यादव ने राजद में शामिल कराया था। निशु जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट की सचिव के साथ कई एनजीओ में सक्रिय थी। 2006 में सुल्तानगंज जिला परिषद के चुनाव में उत्तरी क्षेत्र से किस्मत भी आजमा चुकी थी। जुगसर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मेरी बेटी आगे बताई कि पापा जो खाना दिया जा रहा है ना उसमें अभी हम उसको कुछ उजला ऐसा पाउडर मिलाते थे, तो मत खाइए, तो हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद थाना को खबर किए कि सर हमको डाउट है कुछ मिलाई है, तो थाना ले गई जाँच के लिए। तो हम उसको पूछे कि तुम क्या मिलाई थी इसमें, तो कहा कि बेंडी प्लस था। तो यही क्या होता है बेंडी प्लस, तो बोला जोंक का दवाई है उसी को पीस के हम चूर करके पाउडर बना करके मिलाए। तो बोले कि क्यों मिलाई तुम मेरे खाना, ये तो कोई ये नहीं है। लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद 1.5 साल के बाद पता चला कि उससे उसका वीडियो भी है। मेरे मिलना तो चाहिए, न्याय क्या मिलेगा, हमारा तो वैसे भी परिवार उजड़ा और ये हो गया, लेकिन क्या मिलेगा दिमाग के। क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के बारे में, अब क्या बोलेंगे उसके लिए, अब तो उसके कर्मों की सजा है, उसका परिणाम उसका दोनों बच्चा अब है जो कि बिना माँ के सब दिन रहा 5 साल से, अब और आगे भी रहेगा। तो फिर जांच रिपोर्ट आया 19 में उसको गिरफ्तार करके ले गया था, लेकिन फिर थाना से ही छोड़ दिया था। हम लोग यदि फ़ोन भी करते थे, यदि ऊपर जाना भी चाहते थे, तो पता चलता था IGP DIG DSP को फ़ोन कर देते इतना पहुँच था। कांग्रेस की कुछ महिला हैं उनका DIG से अप्रोच था, कह के हमको दो दो DSP ने कहा कि ऊपर से IPS फ़ोन कर देते हैं, क्या करें मजबूर हैं हम अरेस्ट नहीं कर पाए। बड़ा हैरत लगा कि आज हम निकल रहे थे घर से जांच कराने के लिए, बीमार थे, तो पता चला कि आया है 5-7 पुलिस पकड़ के लिए।